अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जो आपने प्रोग्राम देखा उसके दो पार्ट्स देखे, उसको हमने वाइंड अप कर लिया था, लेकिन सलीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात की है और फिर हम उस घर पे आ गए हैं जहाँ पे उस गुरु को हमने पकड़ा है और उसी जगह पे खड़े हैं अभी। वो आप दो पार्ट देख चुके होंगे, शायद ये तीसरा कोई पार्ट बन जाए। सलीम भाई ने ये कहा है कि इसके और साथी थे, जैसे वो कह रहा था मेरे 10 लोग हैं, ठीक है, जैसे वो बता रहा है कि मेरे 10 लोग हैं, तो हमें कमरों में जाके दोबारा से देखना चाहिए कि शायद कोई और आ जाए, इसका कोई और जाने का रास्ता नहीं है। अभी हम थोड़ा आगे गए थे, फिर हमारे जहन में आया कि एक दफ़ा फिर हम देख लें, शायद कोई और बैठा हो, और भी बहुत सारे कमरे हैं, शायद इनका कोई और साथी इनमें मौजूद हो। ये अच्छी बात है, मेरे को वो शायद हो सकता है पुलिस से डर गए हों, वो छुप गए हों, आ जाए फिर कहीं दीवारों से टप ना जाए। आ जाए, आ जाए, आ जाए। वाह यार सलीम भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। हैं कसवर, तेजी नाल देखते हैं, शायद शक है सर जी, है ना, कोई ना कोई मौजूद नहीं, आपकी बात ठीक है। जैसे वो कितने लोग थे, हाँ। कहते हैं हमारे 10 साथी हैं, ये है वो, आ जाएं, अब इधर नहीं टाइम जाया करते, देखते हैं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। कोई और रास्ता तो नहीं है भागने का? नहीं नहीं, रास्ता कोई नहीं है भागने का, है? ये बिल्कुल बंद है। अच्छा, हाँ जी, आठ दस कमरे हैं, हो सकता है तो जैसे हमने पुलिस का नाम लिया, उसमें हम जोश में ना बेवकूफ़ी कर रहे थे, रास्ता तो ये भी था उस वीडियो में थोड़ी देर पहले, और हम इधर से जा रहे हैं। कस्बर भाई, ये रास्ता भी था ये वाला, हम इधर से जा रहे थे, देखो अक्ल ही काम नहीं किया, बेवकूफ़ी देखो, जोश में जब बंदा आ जाता है तो होश खो देता है। लेकिन ऐसे लगा है कोई था। अब चलो कमरे नजर आ जाएंगे, हैं है? आगे आगे आगे, ठीक है, ये खुलेगा, बंद है, बंद है, उधर आए, भाग ही ना जाए। कसर सब नजर रखें एक दूसरे पे, आशिक भाई जी सर, एक चीज़ सोच रहा हूँ कसर भाई और सलीम भाई, यार ये लोग ऐसी बिल्डिंगें ढूंढ कैसे लेते हैं, ये बेसिकली है क्या, क्यों इमारत खाली पड़ी हुई है? ये आज से तकरीबन को 50 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई अच्छा, नहीं ये 50 साल पहले नहीं लग रही सर, ये तो कोई नई नहीं लग रही है सर, इसको दोबारा पेंट वगैरह कर देते, बाकी ये है बहुत पुरानी, कोई नहीं आता यहाँ पर, तो खाली क्यों पड़ी है यार, ये बहुत अच्छी बनी हुई लग रही है मुझे। इसके हालात देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखे ना, ये 50 साल पहले इस तरह तो नहीं थे ना, ये बात है सर, कुछ अरसा बात हुई है, लेकिन वही खौफ और आस की वजह से फिर जो है ना वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जहरी बात है, जब आप इस तरह की चीज़ें खाली रखेंगे तो इस तरह के जराइम पेशा लोग गलत काम करेंगे ना, ये तो हमने उसको उस इमारत में पकड़ा, पता नहीं इधर बैठ बैठ के वो क्या करते हैं, हैं आशिक भाई सर, इधर पता नहीं वो क्या करते होंगे। इधर नहीं है, उधर से तो आए हैं ना, कुछ भी नहीं है कोई नहीं, ये देखे ना, हाँ जी उधर से तो हम आए थे ना, हाँ उधर से आए थे, इधर कुछ भी नहीं। चलो वो थोड़ा लोकेशन विजिट हो जाएगी ना भाई, ये है कौन सी, क्या करते हैं इधर, हाँ क्या होता है, कैमरा एक ही रहेगा, इसकी लाइट बंद हो गई है। टॉर्च है? हाँ सर, जी दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से अभी
कुछ देर पहले हमने उन मूर्खों को पकड़ा है, लेकिन वो अचानक से हमारे जहन में बात आई कि थोड़ा सा इसको दोबारा विज़िट कर लें। इधर आना यार, एक बात है, ये देखिए ना, इधर कुत्ता मरा हुआ है कोई, बहुत गंदगी है। मुझे लगता है इधर की कोई चीज़ें ना यूज़ करते थे वो। कसर भाई आसार बताते हैं, अच्छे भाई इधर भी जादू करते हैं वो। इस इमारत को फौरी फौरी भाईजान इसको या तो आबाद करें, तो खुशी कर रहे हैं कि कुछ ये भी बड़े अच्छे रूम बने हुए हैं। यार आशिक भाई, मुझे जो निशान आते हैं ना जी, लगता है कि यहाँ पे भी काम करते हैं वो। और ये जो बच्चे हुए हैं ना, ये लाजमी करेंगे ये अमल। सर, ये जितने कमरे हैं ना, इन पे कमरे में एक एक बंदा बैठ के कालम करता था, इसलिए 10 लोग हैं। हाँ, 10 लोग, हर किसी ने अपना कमरा बनाया हुआ है। हाँ, और जिनका बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हैं भाई, किसी इंसानों का भला करना, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इसलिए फिर आएंगे, ये ज़रूर आएंगे। ये तो थाने में गए, ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन आपने नज़र रखनी है ना। इंशाल्लाह, क्या करें, मजीद घूमना है, बेवकूफ़ी है, बस ऐसे घूमते रहे। अगर होंगे भी सही तो भाग गए होंगे वो। तो सारा जैसे वो आवाज़ उन्होंने सुनी है ना, ये पता नहीं बड़ा गोरू था, ये बच गया, वो निकल गए होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है वो आज वो आए नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। नहीं, होगी पूरी टीम होगी। चलो कुछ तो इनका। हाँ, दोस्तों इस वीडियो को लेंथ ही नहीं करते, ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी। आपने वो 2 एपिसोड देखे, उनको हमने पकड़ा, क्या कह सकते हैं, ख्वाजा सराओं के रूप में, और एक लड़की को बुलाकर वो अमल कर रहे थे। और हमने पहले समझा था कि ये चुड़ैल है, क्या है ये, भाई कहता था कि चुड़ैल है, इनको भी शक हुआ। फिर उन्होंने कहा वाकई वो खातून लग रही थी, क्योंकि जब हम एडिटिंग पे देख रहे थे वो जूती नज़र आ रही थी और वो हाथ, और इस तरह चुड़ैलें नहीं होती। तो फिर हमें शक हुआ कि ये जादू कर रहा हूँ। उसके बाद हमने 2 दफ़ा चक्कर लगाया, हमें नहीं मिले, भाग गए। लेकिन 3रे चक्कर पर हमने उनको पकड़ा और आपको वीडियो के 2 पार्ट दिखाए, और ये एक 3री वीडियो बनाई। इसलिए अचानक जाते जाते जहन में आया, हालाँकि उस प्रोग्राम का हमने वाइंड अप कर दिया था, सलीम भाई ने कहा कि इस घर को दोबारा से दिखा दें कि कोई और मामला या कोई और बैठा हुआ या उनका कोई सामान मिल जाए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। मुझे एक चीज़ और भी है आशिक भाई जी। सर, सामान इधर नहीं पड़ा, ठीक है, किसी कमरे में आपको आसार नज़र नहीं आते, कोई चीज़ टूटी हुई पड़ी हो, कोई जूतियाँ पड़ी हो, कोई जादू का सामान नज़र आया? ये करते जादू उसी इमारत में, उसमें। हाँ, बिल्कुल उसी में। वो डर के भागा है इधर छुपने के लिए। हाँ, इनका गुरु जो मामलात करता था, करते वो उधर ही हैं। वो इमारत ज़्यादा डेंजर थी, वो उसमें कमरे बहुत ज़्यादा थे और वो थोड़ा साइड पर और उसमें बंदा भागने में आसान होता है। ये तो हवेली है ना, इसमें भाग बंद है, ये रास्ते इसमें भागने का रास्ता कोई नहीं है। और वो था ऊपर सर, और नीचे ना ऊपर वाले मंदिर पर बैठे थे, और ये है जगह नीचे, ऐसे वो जैसे अंदर आएंगे सबको पता लग जाएगा, सामने बैठे वो बैठे थे ऊपर दूसरे मंदिर पे, किसी को नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए वो वहीं बैठ के
इल्म करते थे वो। गुरु भी तो वहीं से भागा ना सर। हाँ, गुरु भी वहीं से भागा। तो गुरु भी वहीं से भागा। वो अच्छा भाग के कितना जल्दी यहाँ पे आ गया। अच्छा उसे ये मालूम था कि ये वहीं से निकल जाएंगे। वो तो हमने उसको चेले को दूर आके छुपाया ना। वेर में नहीं था भाई, ये मुकम्मल प्रोग्राम के साथ आए हैं, ये मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं। हम तो उनके बिल्कुल दिमाग में नहीं था। इतने हम लिचड़ हैं कि हम छोड़ के किसी को नहीं जाते हैं भाई। हम सबको पकड़ते हैं, जो जो आगे रास्ता मिलता जाता तो हम पीछे भागते रहते हैं और सबको ही पकड़ते हैं। और जो भाग गए तो उनकी खुशकिस्मती है भाई। एक काम छड़ दो, नहीं तो तुम असी नहीं छड़ना। मैं तुम्हें दस रहा, वीडियो जरूर देखोगे। इन्हों छा लेना, लेकिन मैं तुम्हें दस रहा, पंजाबी बोल रहे थे ना, शायद पंजाबी समझ आ। तुम असी नहीं छड़ना, गलत काम छड़ दो, इस सारा इलाका छड़ के इतों दफा हो जाओ, नहीं तो तुम असी फड़ांगे। और इस तरह जिमें गुरु है ना तुहाड़े साथी, इन्हां नूं पुलिस दे विच तो तुहानूं भी दवांगे। मैं तुहानूं दस रहा इस तो पहले कि तुसी तौबा कर लो और माफ़ी मांग लो और एक काम सारे गलत छड़ दो। मैं तुहानूं दस रहा, ये तो चेला सर, वो जो तो चेला इसको गुरु का चेला हमारे पास हमारे हाथ आ गया। और पता नहीं गुरु उनमें से कौन है, नहीं क्या मामला है, यही लगता था। अच्छा हाँ, जो वहाँ से छुप गया है, जिसको हमने पकड़ा वो इसका चेला था। अच्छा, वो यहाँ लेके आया है, वो लड़की शागिर्द थी। हाँ, वो तो इसको सिखाते थे ना। अच्छा। वो कहते मैं तो वैसे आ रही हूँ। अच्छा जी, कोशिश करेंगे थाने पे जाके भी जब वो हवल हाथ में खड़े हों तो उनकी भी कुछ वीडियो बनाए, अगर पुलिस वालों ने इजाज़त दी, इदारों से इजाज़त लेकर। इजाज़त के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, ये एक छोटी सी और वीडियो बन गई, तीसरा पार्ट बन गया, तीसरा क्या उससे आगे का पार्ट बन गया, तो ये इमारत आपको दिखा दी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, शुक्रिया। अब इधर खाली घूमते रहे तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अगर वो हैं भी सही ना यहाँ पे, हाँ जी, तो वो निकल गए होंगे। हाँ, वो तो अगर रास्ता नहीं है ना, दीवारें छोटी छोटी हैं। हैं कसर भाई, ये देखे ना। अच्छा, इधर से दीवार और देखो, वो दीवार टूटी हुई है। हाँ, यहाँ से तो वो भाग गया होगा। अब इधर जाना बेवकूफ़ी है, जूती भी खुली पहनी है, सांप वगैरह हो सकता है। वो है रात, दीवार के साथ छुप के बैठ जाएंगे, हमें क्या नज़र आएगा फिर। छोड़े, ये भी हो सकता है ना। नहीं, ये हूँ देख रहे हैं ना वीडियो, इन्होंने काम छड़ना पेगा, है ना, काम छड़ना पेगा तुम्हें। मैं तुम्हें दस रहा, असं तुम्हें नहीं छड़ा, यह साड़ा प्रोग्राम है, असं फिर आवेंगे तुम्हें पढ़ा, नहीं तुम काम छड़ दो। बार बार कह रहा मैं तुम्हें, काम छड़ दो भाई, छड़ दो, ये बहुत बुरा काम है। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।